आज हमारे पास यूनियन बैंक का एटीएम कार्ड है। यूनियन बैंक का एटीएम कार्ड यहाँ पर हमें मिल चुका है। तो सबसे पहला काम यहाँ पर ये करना होगा कि इस कार्ड का पिन सेट करना होगा, पिन जनरेट करना होगा। तो एक बार हम इसका पिन क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही हम इसका पिन क्रिएट करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो यूनियन बैंक एटीएम कार्ड का पिन सेट करने के लिए हमें नज़दीकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में जाना होगा। आपके आसपास कोई भी एटीएम मशीन अगर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, तो आप वहां पर जा सकते हैं और वहां पर दो स्टेप्स पूरे करने होते हैं। ये दो स्टेप्स बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स हैं। इनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट से 10 मिनट का समय लगेगा, उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो बातों में और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे एटीएम में चलते हैं और वहाँ से इस प्रोसेस को लाइव देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले कार्ड को मशीन में डाल लेते हैं। कार्ड मैंने इंसर्ट कर दिया है। तो राइट हैंड साइड में देखिए सेट एटीएम पिन का ऑप्शन है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ग्रीन पिन ओटीपी लिखा हुआ है, ओटीपी जनरेट, ओटीपी वैलिडेट। तो ओटीपी हमें जनरेट करना है, ओटीपी जनरेट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो कंटिन्यू नॉर्मली क्या होता है कि यस का बटन राइट हैंड साइड में होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में नो दिया हुआ है। तो आपको नो प्रेस नहीं करना है, बल्कि लेफ्ट हैंड साइड में जो यस दिया हुआ है इसको प्रेस कर लेना है। तो चलिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी प्रोसेसिंग हो रहा है यहाँ पर, देखिए ओटीपी जनरेटेड सक्सेसफुली। अब मैं अपना कार्ड निकाल सकता हूँ। तो अभी एटीएम काउंटर को छोड़ना नहीं है, थोड़ा देख लेते हैं कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कब तक हमारा ओटीपी रिसीव हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास ओटीपी रिसीव हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक 4 अंकों का ओटीपी है। तो कार्ड को हमें मशीन में दोबारा इंसर्ट करना होगा और स्टेप 2 हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। कार्ड को मैंने दोबारा से मशीन में इंसर्ट कर दिया है। देखिए सेट एटीएम पिन, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी जो इस बार हम क्या करेंगे, ओटीपी वैलिडेट का जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है। तो चलिए इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी प्लीज एंटर योर ओटीपी फॉर वैलिडेशन। तो अभी हमारे पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी रिसीव हुआ है 4 अंकों का ओटीपी, उसको मैं एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे 4 अंकों का एक पिन सेट करना होगा, जो मैं अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ। तो चलिए मैं पिन सेट कर लेता हूँ, पिन को एंटर कर देता हूँ। ये पिन कोई भी पिन हो सकता है, आप अपने हिसाब से कोई भी 4 डिजिट्स का पिन सेट कर सकते हैं। अब दोबारा से पिन को री एंटर करना है, दोबारा से एंटर करना है कन्फर्मेशन के लिए। तो इसको दोबारा से एंटर कर देते हैं। अभी ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। तो आपने अपना पिन सेट कर लिया या आपको इसमें कोई परेशानी आ रही है, नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।